हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 जिसका एग्ज़ाम अभी आपका 29 तारीख को होने वाला है, इसकी आप कैसे प्रिपरेशन करो ताकि आपके 65 प्लस मार्क्स आएँ, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होगा एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से। 65 मार्क्स मेरे एसएससी सीएचएसएल 2017 में 67 मार्क्स थे। तो कैसे मैंने प्रिपरेशंस की, किन बुक को फॉलो किया और क्या स्ट्रेटजी के साथ मैंने एग्ज़ाम को दिया था, वो सारी चीज़ें आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें किस बुक से फॉलो करना चाहिए, किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक तो बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। ये जो बुक है ये मैंने 2017 का मेंस देने के लिए ख़रीदी थी, इस बुक को आप ले सकते हो। नहीं तो इसके अलावा एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी, अगर आपके पास बुक आपने परचेज कर ली है तो दोबारा अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक परचेज करो, आपको बुक नहीं परचेज करनी है। कैसे पढ़ना है उस चीज़ को समझना है बस। बाकी जिन लोगों ने नहीं परचेज किया, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा फिलहाल कि जिसने बुक ना परचेज की हो। अगर आपने परचेज नहीं की है तो आप किरण की इस बुक को ले सकते हो, दूसरा आप अरिहंत की बुक को ले सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो 2019 में मेंस देंगे। बाकी जो 2018 वाले हैं उनको कोई भी बुक अब नहीं लेनी है। जो भी आपने बुक ले ली है वो आपके पास बेस्ट बुक है। बस इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज़ें आपकी आती हैं, एक तो आता है आपका लेटर, दूसरा आता है आपका ऐसे। लेटर की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, जो भी आपके पास बुक है, जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, बस आपको करना क्या है कि लेटर का फॉर्मेट देखना है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है। लेटर दो टाइप के आपके होते हैं, एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है। लेटर को किस तरीके से लिखा जा रहा है बस उसके फॉर्मेट पर फोकस करना है। बाकी अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो आप लेटर लिख दोगे। किसको लिखना होता है वो वहाँ पर आपको दिया होगा कि किसको लेटर आपको लिखना है, तो वो चीज़ आपको दी होगी। बस लेटर का आपको फॉर्मेट सीखना है कि लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट सेट हो गया तो आप लेटर आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय जो भी ट्रेंडिंग में आपके लेटर चल रहे हैं उनमें आपका सारा कंटेंट लेफ्ट हैंड पे ही लिखा जाता है, वहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं दी जाती है। जैसे कि आपको जो एड्रेस डालना है वो भी आपका एक तरफ लिखा जाएगा, मान सूचक शब्द लिखने हैं वो भी आपके एक तरफ लिखे जाएंगे, और जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो भी लेफ्ट हैंड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे विदाउट किसी गैप से। मैंने भी इसी तरीके से ही लिखा था। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको लेटर वहाँ पे लिखना है। तो लेटर की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, लेटर के सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करना है आपको, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से लेटर को लिखना है। बाकी कुछ भी आता है, जिस भी टॉपिक पर आएगा वो आप लिख सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे की कि आपको ऐसे कैसे तैयार करने हैं। जो भी आपके पास बुक है उसमें तमाम टॉपिक पे आपको दिए होंगे, तो पहले तो आपको क्या करना है कि रीड करना है। एक बार तो आप डेफिनेटली उसे रीड कर चुके होंगे, लेकिन अब उसे तैयार कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छा लिख पाएँ। लिखने की जो कला है वो धीरे धीरे इंसान के अंदर डेवलप होती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं डालेंगे तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। नॉलेज अगर ज़्यादा है और लिखने की प्रैक्टिस अच्छी है तो बेशक आप अच्छा लिख सकते हैं उसके मुकाबले में जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है लिखने की तो आप नहीं लिख सकते। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि निबंध आपको कैसे तैयार करने हैं। जो भी आपके पास 2-4 दिन का टाइम है इसमें आपको करना क्या है कि डेली आपको 5 लेटर लिखने हैं और 5 ही आपको ऐसे लिखने हैं। ऐसे कैसे लिखने हैं आपको वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जो भी मान लिया आपने टॉपिक लिया, आपने जैसे कि मान लेते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। और रीड करने में सिर्फ आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। बाकी फिर इसे आपको क्या करना है, तुरंत पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक को अपने आप लिख के देखना है कि कैसे
हम इसे क्या क्या मतलब कितना लिख सकते हैं इसके बारे में जो भी हमने पढ़ा, बस आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि जो डेट्स हैं और जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें आपको सिर्फ दिमाग में रखनी है, बाकी अपने हिसाब से सारी चीज़ों को लिखना है। जब आप लिखेंगे हो सकता है कि पहली बार आप उतना अच्छा ना लिख पाएँ, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा लिखने लगेंगे। बस यही आपको सीखना है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि अब यहाँ से आप टारगेट बना लो कि जो भी हमारे पास टाइम 3-4 दिन का है इसमें हमें डेली 5 ऐसे जो हैं वो तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं, उन्हें पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसे अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखना है। बस SSC जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लेता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वो इसी वजह से लेता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि देखें जो कंपटीटर है उसके अंदर लिखने की अप्रोच है या नहीं है। अब इस बात को मैं एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे SSC CHSL 2015 का जो मेंस हुआ था उसमें जो SSC ने टॉपिक दिया था आपका ऐसे का, वो स्वच्छ भारत मिशन दे दिया जो कि उस समय का आपका करेंट टॉपिक था। उसके बाद 2016 में जो आपका मेंस हुआ था उसमें आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपका करंट टॉपिक था, इसको SSC ने दिया। अब 2015 में भी SSC ने करंट टॉपिक से ऐसे पूछा, 2016 में भी करंट टॉपिक से पूछा, तो बच्चों ने अपना माइंडसेट ये बना लिया कि ऐसे जो भी पूछा जाता है वो करंट टॉपिक से ही पूछा जाता है। तो 2017 में एस्पिरेंट ने जितने भी करंट टॉपिक थे उनको अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन 2017 में SSC ने चेंज कर दिया, टॉपिक ही चेंज कर दिया उन्होंने। उन्होंने जो 2017 में ऐसे का टॉपिक दिया था वो बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा दिया था। अब ये ऐसा टॉपिक था आपका जिसमें 90% बच्चे कंफ्यूज थे कि इसमें लिखा क्या जाए। तो यहाँ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि टॉपिक आप बेशक तैयार करिए, मोस्ट जो भी वांटेड टॉपिक होते हैं उनको तैयार करना भी चाहिए, लेकिन आपको तैयार कैसे करना है, उनकी लिखने की प्रैक्टिस से तैयार करना है। आपको लिखने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि जब वो आदत आपके अंदर आ जाएगी और आपके पास कंटेंट भी होगा, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो कंटेंट जाहिर सी बात है आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके अंदर लिखने की क्षमता होगी तो टॉपिक कोई भी आए आप लिख सकते हो। 10 कौन से ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जिन पर आपका ऐसे आ सकता है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। और अगर आपका करेंट टॉपिक से आपका ऐसे पूछा जाता है तो उन 10 में से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर एक मिलेगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि लेटर और ऐसे को आपको कैसे तैयार करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस डालनी है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो भी आपने पढ़ा है उस पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है और नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे कोशिश आप ये करोगे कि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ आपको काटना पड़ जाता है, अगर आपकी कटिंग एक दो हो जाती हैं तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर बेकार हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे भी मिस्टेक होती है उसे आप काट दो, उसके नीचे जो भी लिखना है उसे आप लिख दो, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ तो अब गलत हो गई इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और राइटिंग का भी वहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी है बेकार है इससे एग्ज़ामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे आपसे जो पूछा गया है उस चीज़ को आपने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से पेश किया है, बस ये चीज़ आपकी देखी जाती है। बस साफ साफ लिखा होना चाहिए, इस बात से फ़र्क पड़ता है। अगर एग्ज़ामिनर के समझ में आ रहा है राइटिंग, आपने ज़्यादा सजावट के भी चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल काफ़ी सजा सजा के लिखना है, आपको जो भी टॉपिक पूछा गया है उस पर आपको सीधा सीधा लिखना है, जो भी आप अपने तरफ से जितना भी बेहतर लिख सको। तो अगर एक दो कटिंग आपसे बाई चांस हो जाती है तो उसमें आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमको किस लैंग्वेज में ऐसे और लेटर लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को बेहतर समझते हो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करिए अगर आप हिंदी के साथ ज़्यादा बेहतर हो तो कोशिश ये करिए कि आप हिंदी लैंग्वेज में लिखो, उसमें मार्क्स आपको इंग्लिश की कंपेयर में डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो लैंग्वेज आपको हिंदी में अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं तो हिंदी में ही आपको लिखना है, बाकी अगर आप इंग्लिश के साथ बेहतर हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने मिस्टेक की थी 2015 में
और कई बच्चे करते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे कि जब आपको जो बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने होंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे और आंसर आपको लिखने होंगे, उसमें आपको रोल नंबर अपना अच्छे से फिल करना है, नाम अपना डालना है और सबसे साइड में आपको लिखा होता है लैंग्वेज का ऑप्शन कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। इस चीज़ में बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको उसको पहले ध्यान से भरना है। जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको वहाँ पे डालना है, अच्छे से उसको जब आप फिल करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी। बाकी आपने लिखा चाहे जितना अच्छा हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से नहीं भरी तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। मेरे साथ भी 2015 में यही हुआ था कि मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करना मैं भूल गया था, मैं वहाँ पर लैंग्वेज ही कोई नहीं डाली थी, इस वजह से मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, जबकि मैंने बहुत अच्छा लिखा था और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको जो भी बुकलेट मिलेगी आपको उसमें अपना नाम, रोल नंबर और लैंग्वेज इसको बहुत सही सही और अच्छे से देख के इसे डालना है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।